हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यू चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल क्या है। प्रशिक्षण चक्र के अंतर्गत माइक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही टॉपिक यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बस देखते रहिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड अन्य टॉपिक जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन, एंड ट्रेनिंग लोड क्या है, प्रायोरिटाइजेशन क्या है, एंड सुपर कंपनसेशन क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, KBS, NBST, GT, PGT, ELT अन्य सभी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो है, आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, एंड दोस्तों, ELT का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, बस आप लोग तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, चलिए जानते हैं प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल क्या है। दोस्तों, प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल जो है खेल ट्रेनिंग में समय अवधि एवं व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विभिन्न ट्रेनिंग योजनाएं तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं लंबी अवधि, सूक्ष्म अवधि, व्यक्तिगत या सामूहिक प्रकार की हो सकती हैं। तो समय अवधि के आधार पर ट्रेनिंग योजना तीन प्रकार की होती है जो निम्न है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? माइक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। तो ये तीन प्रकार के अवधि के आधार पर यानी समय अवधि के आधार पर ट्रेनिंग योजना होती है। माइक्रो चक्र, दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि प्रशिक्षण चक्र यानी समय अवधि के आधार पर प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। दोस्तों, माइक्रो चक्र, माइक्रो चक्र में आपको अंतर यानी डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि माइक्रो में आपका इंग्लिश स्पेलिंग जो है यम ए से शुरू है, जबकि माइक्रो का चक्र का यम आई से शुरू है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे बड़े चक्र की, माइक्रो चक्र, जिसे वार्षिक चक्र या ट्रेनिंग योजना भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेनिंग योजना किस चक्र को बोला जाता है? तो माइक्रो चक्र को। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो माइक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी बोला जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है माइक्रो चक्र। क्या अवधिकालीनता के सिद्धांत पर आधारित होता है? जैसे कि अवधिकालीनता एक साल का होता है। अवधिकालीनता में आपके मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि उसमें प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड होता है एक साल का। उसी प्रकार माइक्रो चक्र जो है वो आपका एक साल का होता है, यानी 3 से 12 महीने का इसकी समय अवधि होती है, यानी एक साल का होता है। इसको 365 दिन या 52 सप्ताह का भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। दोस्तों, माइक्रो चक्र का उद्देश्य होता है कि स्पोर्ट्समैन की बेसिक कंपोनेंट यानी छोटी छोटी चीजों को डेवलप करना, वो हाई परफॉर्मेंस तक इसको ले जाना, यानी कि आधार से लेकर टॉप फॉर्म तक ले जाना होता है इसका उद्देश्य। एंड स्पोर्ट्समैन की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने का कार्य यह माइक्रो चक्र करता है। तो ये सब आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एंड दूसरा है मीजो चक्र, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवस्थान चक्र भी बोला जाता है। दोस्तों, किस चक्र को क्या बोला जाता है इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो मीजो चक्र को मासिक ट्रेनिंग चक्र, मासिक चक्र या अवस्थान चक्र भी बोला जाता है। इसकी समय अवधि 3 से 6 सप्ताह की होती है, यानी 1 से 1.5 माह की, दिनों में 30 से 45 दिन की, मध्यम समय का होता है, इसलिए अवस्थान चक्र बोला जाता है। इसका पर्पज यानी उद्देश्य होता है टू टेकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क, यानी किसी विशेष प्रशिक्षक कार्य को टैकल करने की योग्यता को डेवलप करना, यानी किसी विशेष प्रशिक्षक कार्य को हाई परफॉर्मेंस तक ले जाना इसका पर्पज होता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट साइकिल यानी तीसरा साइकिल है माइक्रो चक्र, जो सबसे सूक्ष्म अवधि, सबसे कम अवधि का चक्र होता है। इसको साप्ताहिक योजना भी बोला जाता है। तो यह सबसे छोटा चक्र होता है। इसकी समय अवधि 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, इसलिए इसको साप्ताहिक योजना बोला जाता है। दोस्तों, यह क्या होता है कि संपूर्ण योजना प्रणाली के लिए आधार का निर्माण करता है माइक्रो चक्र। तो इस प्रकार दोस्तों, सबसे बड़ा चक्र आपका माइक्रो चक्र, मध्यम चक्र अवस्थान चक्र मीजो चक्र, और सबसे छोटा चक्र
आपका माइक्रो चक्र। तीनों को क्या बोला जाता है? माइक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना एंड मेजर चक्र को मासिक ट्रेनिंग चक्र एंड अवस्थान चक्र और माइक्रो चक्र को साप्ताहिक योजना बोला जाता है। दोस्तों यही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, इससे ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं बन सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा दोस्तों, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यानी ग्रुपों में शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। एंड यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।